हाँ नमस्कार। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मूलतः दो तरह के सर्किट होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट्स और कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या अंतर होता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट हम सबको पता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जाम्पल्स पता है, हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर्स, ऐसे सर्किट जिसमें फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं होता है। और अगर हम किसी सर्किट में फीडबैक दे दें, फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होता है कि जो आउटपुट है, आउटपुट का ही कुछ पार्ट हम इनपुट कर देते हैं वापस। तो जहां भी कहीं फीडबैक सिस्टम है, तो यहां पर दिख रहा है कि एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है और एक मेमोरी सर्किट है, इनपुट है और आउटपुट है, और मेमोरी सर्किट से एक फीडबैक इनपुट में जा रहा है। तो अगर हम इस मेमोरी सर्किट को रिप्लेस करेंगे तो किसी, यहाँ पर इस सर्किट में दिख रहा है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इनपुट है, आउटपुट है और एक फ्लिप फ्लॉप है जो मेमोरी एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है, और एक क्लॉक से इस फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर किया जाता है, चलाया जाता है, और इसके थ्रू एक फीडबैक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में। तो यही टोटल ओवरऑल सर्किट है, यही हमारा सीक्वेंशियल सर्किट है। तो फीडबैक सिस्टम अगर किसी कॉम्बिनेशनल सिस्टम में है तो वो सीक्वेंशियल सर्किट बन जाता है, और मेमोरी एलिमेंट को ट्रिगर करने के लिए हमको क्लॉक की जरूरत होती है, ये अभी तक हमने देखा। तो अभी हम सीक्वेंशियल सर्किट का एक एग्जांपल देखते हैं। इसको कहते हैं एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट। इसको नैंड गेट से भी बनाया जा सकता है, तो एस आर लैच को चाहे नॉर गेट से बनाइए चाहे नैंड गेट से बनाइए, हम यहाँ नॉर गेट दिखा रहे हैं। तो ये नॉर गेट से बना हुआ है। यहाँ पर एक रीसेट पिन है, यहाँ पर एक सेट पिन है, यहाँ पर एक नॉर गेट लगा हुआ है, यहाँ पर एक नॉर गेट लगा हुआ है, और इस नॉर गेट के आउटपुट क्यू नॉट से, ये क्यू नॉट है या क्यू बार जो भी कह रहे हैं हम, तो क्यू बार से एक सर्किट इनपुट में गया है, और सिमिलरली क्यू से भी एक लाइन जो है इनपुट में गया है। तो यही फीडबैक सिस्टम है कि हम आउटपुट से कुछ लेकर के उसको इनपुट कर रहे हैं सर्किट में। तो अब ये कैसे काम करेगा? सपोज कि स्टार्टिंग में क्यू जीरो है और क्यू बार वन है। और हम ले रहे हैं एस और आर को, एस को ले रहे हैं वन और आर को ले रहे हैं जीरो। एस को हमने वन किया और आर को जीरो किया। तो अभी ये जो आउटपुट पर है वो इनपुट पर आएगा। तो नॉर गेट में क्या है, वन और जीरो, वन और जीरो को अगर हम और करेंगे तो वन आएगा, और इसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। और सिमिलरली यहाँ पर जीरो और वन को नॉर करेंगे तो वन प्लस जीरो जीरो आएगा। नॉर मतलब सिंपली 1 + 0 = 1, और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहां पर हमें जीरो मिला एक स्टेप में, फिर ये जीरो फिर यहां गया, इसको रिप्लेस किया, तो हमको यहाँ क्या मिला, वन मिला। क्यों? 0 + 0 = 0, और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे नॉर में तो ये वन हो जाएगा। और यहां पर 0 + 1 वन, और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब ये हो गया। अब फिर हम करेंगे तो ये हमारा 1 0 पे कांस्टेंट, हमको ये जो क्यू है और क्यू बार है ये 1 0 पर स्टेबल हो गया जा करके। यहाँ पर वन हो गया और यहाँ पर जीरो हो गया और ये स्टेबल हो गया। यहाँ पर वन आ जाएगा और यहाँ पर जीरो आ जाएगा, एस और आर को वन और जीरो रखने पर। तो
बेसिकली यही हमारा आउटपुट हो गया 1 0। तो S1 है, Q1 है, तो इसका मतलब जो S है हमारा, S मीन्स कि जैसे ही, S मीन्स सेट है ये, इसका नाम है सेट। सेट मीन्स जब यहाँ पर 1 होगा तो आउटपुट हमारा 1 हो जाएगा, और रीसेट मतलब जब R1 होगा तो आउटपुट हमारा रीसेट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ सेट S इज इक्वल टू 1 देन आउटपुट इज सेट Q इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में क्या होगा? सपोज क्यू पर 1 है, क्योंकि क्यू पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें पता नहीं इनिशियली क्या वैल्यू है, इनिशियली 0 है कि 1 है, तो हम दोनों कॉम्बिनेशन लेके देख रहे हैं। 0 लेके देख लिया हमने, अब हम 1 लेके देखेंगे। तो जब हम यहाँ पर 1 करेंगे तब क्या होगा, 1 0 ले लिया, एस आर को हमने 1 0 ले लिया। अब ये यहां पर जाएगा और क्या आएगा, 1 0, फिर ये यहां पर जाएगा और फिर ये क्या आएगा, 1 0, फिर ये यहां पर जाएगा फिर क्या आएगा, 1 0। तो ये हमारी जो स्टेट है 1 0, ये स्टेबल हो गई। तो हमारा एस को 1 करने पर और आर को 0 करने पर हमारा जो एस आर लैच है वो सेट हो जाता है, क्यू 1 हो जाता है और क्यू बार 0 हो जाता है। तो ये स्टेब्लिश हो गया कि अगर S1 है, इनपुट S1 है, तो आउटपुट भी सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने S1 करके सेट इज इक्वल टू 1 और R0 करके देख लिया कि हमारा जो आउटपुट है वो 1 0 आता है। अब हम, हमारा जो प्रीवियस स्टेट है वो 1 0 है। अब हम S को 0 और R को 1 करके देखते हैं। तो S को अगर हम 0 करें और R को 1 करें, ये यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 0 आएगा। ये बीच की स्टेट है, टेम्पररली आ रहा है। उसके बाद फिर तो फिर 0 1 हो गया, 0 1 के बाद फिर ये जाएगा, फिर ये 0 1 हो गया। तो ये 0 1 पे जा करके स्टेबल हो गया आउटपुट, क्योंकि फीडबैक है, फीडबैक लगातार चलता जाता है। मैं स्टेप वाइज तरीके से बता रहा हूँ, अदरवाइज फीडबैक, ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है, ये लगातार चलते रहेंगे और फाइनली ये 0 और 1 पर जा करके स्टेबल हो जाएगा। तो हमको ये 0 और 1 ही दिखेगा यहाँ पर, चाहे जितनी बार भी 0 1 जाए। तो यहाँ पर हमारा S0 है और R1 है, तो हमारा आउटपुट जो है, क्योंकि R1 है मतलब रीसेट हो गया आउटपुट, रीसेट हो गया मतलब Q 0 हो गया, और Q 0 होगा तो Q बार 1 हो ही जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर रीसेट पिन 1 है तो आउटपुट रीसेट हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम 1 0 स्टेट में देख लिया कि Q में 1 था और Q बार पे 0 था। अब 0 1 हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या स्टेट है, किसी भी स्टेट में रहेगा। जैसे ही रीसेट पिन 1 होगा वैसे ही यहाँ पर जो भी स्टेट हो, पहले हमने देखा 1 0 थी तो रीसेट हो गया था, अब यहाँ पर 0 1 स्टेट है तो ऑलरेडी रीसेट है, लेकिन फिर भी जैसे ही हम यहाँ पर देंगे तो ये रीसेट ही होगा। ये यहाँ से जाएगा और ये 0 1 पे ही स्टेबल रहेगा और यहाँ पर 0 1 ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब रीसेट 1 है तो क्यू भी क्या है, 0 हो जाएगा। इसका एस आर लैच का आउटपुट जो होगा वो रीसेट हो जाएगा। तो इफ रीसेट इज 1, आउटपुट इज रीसेट व्हाट एवर द प्रीवियस स्टेट्स, मतलब चाहे यहाँ पर 0 हो या 1 रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ही इनपुट में रीसेट पिन पे 1 जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, चाहे यहाँ 0 रहा हो चाहे 1 रहा हो।
तो इसका मतलब है कि जब S1 है और R0 है तो Q जो है वो सेट पिन है। सेट मीन्स ये आउटपुट 1 हो जाएगा और Q बार क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल हम कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर प्रीवियस स्टेट 1 और 0 है तो S1 से 0 पे गया और R0 से 0 पे गया। तो मतलब S0 कर रहे हैं और R तो 0 है ही है, तो SR को अगर हम 0 0 ले रहे हैं तो ये प्रीवियस स्टेट ही मेंटेन रहती है, क्योंकि प्रीवियस स्टेट क्या थी, 1 0 थी। और हम देख रहे हैं कि एस और आर को जब हम 0 0 ले रहे हैं तो भी कोई चेंजेस नहीं हुआ आउटपुट में, आउटपुट 1 0 था और 1 0 ही रह गया, तो प्रीवियस स्टेट रिटेन हो गई। तो एस आर जब 0 होता है तो प्रीवियस स्टेट मतलब आउटपुट पे कुछ भी रहा हो वही बना रहता है। 0 0 देने पर, एस और आर को 0 0 देने पर आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो प्रीवियस स्टेट पे ही मेंटेन रहता है। सो इफ इनपुट एस इज 0 आर इज 0 देन आउटपुट इज इक्वल टू प्रीवियस स्टेट, जो भी स्टेट होगी। अगर यहाँ पर 1 0 था तो 1 0 होगा, 0 1 था तो 0 1 हो जाएगा। हम देखते हैं एक और एग्जांपल से कि सपोज प्रीवियस स्टेट इस समय 0 1 है, मतलब यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ये 0 है और 1 है। पहले हमने देखा था 1 0 पे, अब हम एसआर को 0 0 करके देखते हैं तो ये यहाँ पर जाएगा, तो ये 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, तो इस तरीके से इसका जो स्टेट्स है वो बना रहेगा। यहाँ पर 1 प्लस 0 1 होगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस 0 1 होगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, और ये इंटरमीडिएट स्टेट चाहे जितनी बार भी फीडबैक आता रहे ये 0 1 पे ही स्टेबल रहेगा। तो ये प्रीवियस स्टेट भी 0 1 थी और 0 0 रखने पर भी 0 1 ही रहा, तो यही प्रीवियस स्टेट बन गई। तो इसका मतलब है कि जब एस 0 होगा आर 0 होगा तो जो प्रीवियस स्टेट है वही मेंटेन रहेगी। प्रीवियस स्टेट का मतलब जिस समय हमने 0 0 दिया उस समय आउटपुट पर क्या वैल्यू थी, आउटपुट पर जो वैल्यू थी वही बनी रहेगी, बदलेगी नहीं। अब हम एस पे 1 और आर पे 1 रख के देखते हैं, तो 1 1 रख रहा है तो ये 0 0 आ रहा है, फिर रख रहे हैं फिर 0 0 आ रहा है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये देना नहीं है हमको, ये 1 1 वैल्यू पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्यू 0 हो और क्यू बार भी 0 हो। हमेशा क्यू 0 है तो क्यू बार को 1 होना चाहिए, अगर क्यू 1 है तो क्यू बार को 0 होना चाहिए। इसलिए एस और आर पर 1 1 रखना मना है, प्रोहिबिटेड है, आप एस और आर को 1 1 नहीं रखेंगे क्योंकि एस और आर वर्क रखने पर आउटपुट अनडिफाइंड आएगा। तो हम यहां पर हम टेबल देख रहे हैं, एस आर अगर S1 है और R0 है, मतलब सेट पिन, ये सेट पिन है, सेट पिन, ये सेट पिन है, तो अगर सेट पिन 1 है, सेट पिन अगर 1 है तो आउटपुट भी क्या होगा, 1 होगा। Q1 होगा तो Q बार अपने आप 0 हो जाएगा। अब अगर हम इसके तुरंत बाद 1 0 के बाद 0 0 देते हैं तो इसका मतलब प्रीवियस स्टेट ये रहेगी 1 0, तो 1 0 ही प्रीवियस स्टेट है। तो जो हमें पता है कि 0 0 देने पर प्रीवियस स्टेट मेंटेन रहती है, तो 1 0 ही यहाँ पर रहेगी, तो 1 0 यहाँ पर हो गया। अब 1 0 प्रीवियस स्टेट है, अब हम यहाँ पर 0 1 देंगे तो रीसेट क्या है, आर, आर इज रीसेट, और या फिर कोई भी वैल्यू आउटपुट पे, जैसे ही R1 होगा आउटपुट रीसेट हो जाएगा, ये आउटपुट क्या हुआ, रीसेट हो गया।
मतलब आउटपुट पर वैल्यू 0 हो गई, और क्यू 0 है तो क्यू बार 1 होगा। अब प्रीवियस स्टेट क्या है, अगर इसके जस्ट बाद हम 0 0 दे दें, अभी हमने 0 1 दिया था, अब इसके तुरंत बाद अगर हम 0 0 दे दें तो आउटपुट की स्टेट क्या थी, 0 और 1 थी। 0 0 देंगे तो यही स्टेट मेंटेन रहेगी यहाँ पर, क्योंकि 0 0 रखने पर प्रीवियस स्टेट ही मेंटेन रहती है। 1 1 रखने पर क्या होगा, इनवैलिड है, 1 1 हम नहीं रखेंगे, प्रोहिबिटेड है 1 1 रखना, क्योंकि 1 1 पर आउटपुट अनडिफाइंड है। तो ओवरऑल अगर हम इसको देखें, कंक्लूजन देखें, तो कंक्लूजन ये है, ये फाइनल टेबल है, कंक्लूजन ये है कि अगर एस और आर यहाँ पर है, अगर S और R 0 0 है तो प्रीवियस स्टेट जो भी रही हो यहाँ पर, अगर 0 के ऊपर 0 रहा हो, क्यू बार पर 1 रहा हो, तो वही बनी रहेगी। अगर यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 0 है, तो वही स्टेट बनी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एस और आर को रखने पर, 0 0 रखने पर आउटपुट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो जिस दशा में था प्रीवियसली, जिस स्टेट में था, जिस दशा में था, उसी दशा में रहेगा, उसी स्टेट में रहेगा। दूसरा, अगर एस को 1 रखते हैं तो वो किसी भी स्टेट में रहा हो, आउटपुट 1 हो जाएगा। फिर S 0 और 1 रखने पर, अगर हम एस को 0 रखते हैं और रीसेट को 1 रखते हैं, तो रीसेट पिन 1 हो गई, इसका मतलब आउटपुट रीसेट हो जाएगा, चाहे कोई भी प्रीवियस स्टेट रही हो, क्यू पे कोई भी वैल्यू रही हो, क्यू बार पे कोई भी वैल्यू रही हो, ये 0 ही हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। उसके बाद एस और आर पे 1 1 रखेंगे, वो प्रोहिबिटेड है, इनवैलिड है, उस पे आउटपुट अनडिफाइंड है, तो 1 1 हम कभी नहीं रखेंगे एस आर लैच पे। ये इसकी ड्रॉबैक है। इसी तरह हम एस आर लैच नैंड गेट से भी बना सकते हैं। नैंड गेट पे बनाने पर हमारे पास, जैसे नॉर गेट है, नॉर गेट का एक तरीके से उल्टा है, रेसिप्रोकल है, उल्टा भी नहीं कह सकते, रेसिप्रोकल एक तरीके से, कि एस और आर अगर 0 0 है तो इनवैलिड आउटपुट रहेगा, मतलब एस और आर को हम 0 0 नहीं रखेंगे, प्रोहिबिटेड है, जैसे वहाँ 1 1 प्रोहिबिटेड था। फिर यहाँ पर सेट 1 है और रीसेट 0 है, तो यहाँ पर आउटपुट 0 होगा। अगर रीसेट 1 है और सेट 0 है, तो यहाँ पर आउटपुट 1 होगा, मतलब उसका उल्टा है। और अगर यहाँ पर 1 1 है तो प्रीवियस स्टेट मेंटेन हो जाएगी, जैसे वहां 0 0 पर प्रीवियस स्टेट थी, यहाँ पर 1 1 पे प्रीवियस स्टेट मेंटेन रहेगी। तो यही एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट है। तो हमको एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट बना सकते हैं, एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट बना सकते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें एस आर लैच का नैंड से बनाने पर और नॉर से बनाने पर, तो एस आर अगर 0 0 है तो नैंड में इनवैलिड होगा, जबकि नॉर में प्रीवियस स्टेट मेंटेन रहेगी, जो भी दशा में रहा होगा आउटपुट उसी दशा में रहेगा। अगर हम सेट को 1 करते हैं, S 1 है और R 0 है, तो नैंड गेट में आउटपुट 0 हो जाएगा, जबकि नॉर गेट में आउटपुट 1 रहेगा। अगर हम सेट को 0 करते हैं और रीसेट को 1 करते हैं, तो नैंड गेट में आउटपुट 1 हो जाएगा, जबकि नॉर गेट में आउटपुट 0 हो जाएगा। और 0 0 पर नैंड गेट में जो सॉरी 1 1 पे नैंड गेट में प्रीवियस स्टेट हो जाएगा, और नॉर गेट में 1 1 रखना इनवैलिड है, तो नॉर गेट में हम 1 1 नहीं रख सकते एस आर पे। तो ये डिफरेंस है नैंड से अगर हम एस आर लैच बनाते हैं और नॉर से एस आर लैच बनाते हैं। तो धन्यवाद।